डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने इसके पहले कोलिजन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन के बारे में समझा था, विच इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल कोलिजन, जो कि दो तरह के हो सकते थे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, और दोनों तरह हम लोगों ने कोलिजन के बारे में समझा। आज हम ले रहे हैं टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ये भी एक इलास्टिक कोलिजन है लेकिन टू डायमेंशनल है, मतलब ये कि बॉडीज जो हैं कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, कोई अपोजिट, कोई दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस कोलिजन के लिए मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, जिनके मासेस m1 m2 हैं और इनिशियल वेलोसिटीज मान लीजिए u1 और u2 हैं। इनिशियली दे आर मूविंग इन द सेम लाइन, लेकिन जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद जो फर्स्ट बॉडी है वो इस तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी v1, और जो सेकेंड बॉडी है इस तरफ आ गया विथ वेलोसिटी v2, यानी बॉडीज ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन एंड इट इज आफ्टर कोलिजन। सपोज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी मेक्स एन एंगल θ1 फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन एंड दैट ऑफ द सेकेंड बॉडी मेक्स द एंगल सपोज θ2। तो जैसे हमको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि मासेस प्रॉब्लम में दिए रहेंगे, इनिशियल वेलोसिटीज प्रॉब्लम में दिए रहेंगे, तो हमको मालूम क्या करना है कि कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज कितनी हो जाती है या होंगी, और कोलिजन के बाद वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। मीन्स हियर वी हैव फोर अननोन क्वांटिटीज, द v1 v2 द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज एंड θ1 एंड θ2 द डायरेक्शन ऑफ द टू बॉडीज। सो सिंस वी हैव फोर अननोन क्वांटिटीज इन दिस प्रॉब्लम, सो वी नीड फोर साइमल्टेनियस इक्वेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमारे पास फोर इक्वेशंस होने चाहिए। तो चलिए हम ट्राई करते हैं इक्वेशंस का। ये बॉडी इनिशियली जिस डायरेक्शन में चल रहे थे, जिस डायरेक्शन में चलते हुए आपस में कोलाइड करते हैं, उसे कहते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। तो आपके सिस्टम का इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, तो यहां पर भी होगा। बट नाउ अलोंग विच डायरेक्शन, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में भी होना चाहिए, और बस इतना ही मोमेंटम होना चाहिए, और किसी डायरेक्शन का मोमेंटम जीरो होना चाहिए, क्योंकि किसी और डायरेक्शन में इधर तो मोमेंटम था नहीं, तो उधर भी नहीं होगा। तो मैंने लाइन ऑफ इम्पैक्ट को एक्स डायरेक्शन सेलेक्ट किया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन मान लेते हैं। तो अब हम कहें कि एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होना चाहिए, राइट? और वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था इनिशियली, तो फाइनली भी वहां पर कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए। मीन्स मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन मस्ट बी कंजर्व्ड एंड मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। तो यदि हम ये दो कंडीशन अप्लाई करें तो हमको दो इक्वेशन तो मिल जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो इस v1 के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, तो हम कहेंगे v1 cos θ1, और इसका कंपोनेंट कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे v2
cos थीटा 2। तो मोमेंट कोलिजन के बाद हम क्या मान सकते हैं कि हमारी बॉडी x डायरेक्शन में v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2 वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहे हैं। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट दैट इज अलोंग x-axis m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2 is equal to m1 u1 plus m2 u2 इतना होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हमको 4 इक्वेशन चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है ना, तो चलिए एक इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। एंड अलोंग y डायरेक्शन क्या मिलेगा, इस v1 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा v1 sin थीटा 1 और v2 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा v2 साइन थीटा 2। अब इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये मेरा निगेटिव, इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये मेरा निगेटिव। हालांकि हम ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को निगेटिव। तो क्या मिला फाइनल मोमेंटम, m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2, ये फाइनल मोमेंटम हुआ y डायरेक्शन में, जबकि इनिशियल देयर इज नो मोमेंटम, तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0। चलो भैया, इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 आ गया। तो दो इक्वेशन तो हमको मिल गए। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। अब हमें 2 इक्वेशंस और चाहिए, तो उसके लिए हम और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंस इट इज एन इलास्टिक कोलिजन एंड इन एवरी इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन कंजर्व्ड, तो फ्रॉम दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन वी कैन ऑब्टेन अनदर इक्वेशन दैट इज द थर्ड इक्वेशन। तो हमको थर्ड इक्वेशन मिल जा रहा है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए उसको भी अप्लाई कर लीजिए, उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा तो क्या मिलेगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। पहले बॉडी कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, v1, दूसरा कितने से जा रहा है, v2, तो कितनी एनर्जी हो गई, इतनी एनर्जी हो गई, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये फाइनल इट मस्ट बी इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। सो इट इज योर थर्ड इक्वेशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम ये 3 ही इक्वेशन फाइंड आउट कर पाए। इसके अलावा हमको 4th इक्वेशन और चाहिए था, लेकिन इट इज नॉट अवेलेबल। हमको कोई 4th इक्वेशन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन की हेल्प से आप 4 अननोन क्वांटिटीज तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। सो थ्योरेटिकली दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो 4 अननोन क्वांटिटीज हैं v1 v2 थीटा 1 और थीटा 2,
वी हैव दिस फोर अननोन क्वांटिटीज, इनमें से किसी एक को एक्सपेरिमेंटली हम मेजर कर लें। जिस समय हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी समय इन फोर में से किसी एक को मेजर कर लें, वी वन को मेजर कर लें या वी टू को या थीटा वन या थीटा टू को, किसी एक को मेजर कर लें, और ऐसा तो किया जा सकता है। तो बाकी तीन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंस वी हैव ओनली थ्री इक्वेशंस फॉर फोर अननोन क्वांटिटीज, वी वन वी टू थीटा वन एंड थीटा टू, देयरफोर इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एनी वन ऑफ अननोन क्वांटिटी मस्ट बी मेजर्ड एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट। जिस समय आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी समय किसी एक को मेजर कर लीजिए, बस इतना भी आपने कर लिया तो आपके अननोन क्वांटिटीज रिड्यूस हो गए फ्रॉम फोर टू थ्री। यू हैव थ्री इक्वेशंस, सो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री इक्वेशंस नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यह है टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन और उसका सॉल्यूशन, हम इस तरह से उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, यानी किसी एक को आपको मेजर करके रखना पड़ेगा तो बाकी तीन को आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर पाएंगे, इक्वेशन से मालूम कर पाएंगे, इक्वेशन से निकाल पाएंगे। ठीक, तो बच्चों ये था टू डायमेंशनल कोलिजन। मैं समझता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार, जय हिंद।